जितनी सीरीज हमारे सिलेबस में है एट द 12th स्टैंडर्ड ओनली 5 सीरीज आर देयर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पेफुंड. और इनसे पहले हमें चाहिए होगा बेब नंबर. व्हाट इज द बेब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज? तो बेब नंबर क्या है? वेवलेंथ लैम्डा होती है. बेब नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ 1/λ. पहले हम इसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर सीरीज की बात करेंगे कौन कौन सा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेब नंबर. तो हेडिंग डाल सकते हो तुम लोग बेब नंबर. बातें नहीं, ऑलरेडी हमारे पास है, वी हैव द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉर्मूला माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर. यही होता है फॉर्मूला. वेल इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन. ये भी हमें ऑलरेडी पता है. तो इट मींस इफ द फाइनल एनर्जी लेवल इज ई एफ एंड एनर्जी इन द इनिशियल ऑर्बिट इज ई आई, देन इट्स डिफरेंस इज इक्वल्स टू एच न्यू. यही होगा. और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम पुट करें तो माइनस आर एच सी अपॉन एन एफ है, तो फाइनल एनर्जी है तो एन एफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस फॉर फॉर्मूला एंड माइनस फॉर दिस फॉर्मूला आर एच सी अपॉन एन आई स्क्वायर. और एच क्या इस न्यू को हम ये लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा. फॉर्मूला होता है ना सी अपॉन लेमडा ऑलरेडी. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आर एच सी हमें कॉमन मिल रहा है, पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा. सी इज कैंसिल, एच इज ऑल्सो कैंसिल, क्या बचेगा वन अपॉन लेमडा. इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो क्या होगा आर वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर. ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया ऑलरेडी, ठीक है. और हमें ऑलरेडी ये पता है आर क्या है. आर इज रिडवर्क कॉन्स्टेंट वैल्यू बताई थी कितनी थी, सबसे फर्स्ट सीरीज होगी पता ही है तुम लोगों को, लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज. तो इसको अगर हम थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल द सीरीज ऑब्टेंड इज कॉल्ड लाइमन सीरीज. तो एक लाइन फॉर दिस सीरीज जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कॉमन है हमारे पास में, एन आई इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट होगी सीरीज, ग्राउंड लेवल का मतलब वन, और किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आएगी तो एन एफ का मतलब क्या हुआ मोर देन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जितने भी हैं. तो इस सीरीज की जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वन अपॉन लेमडा फॉर्मूला हमारे पास में आर वन अपॉन एन आई, ये तो फिक्स हो गया वन स्क्वायर दैट इज वन माइनस वन अपॉन एन एफ, जिस ऑर्बिट से भी आया होगा उसकी वैल्यू यहाँ प्लेस करनी पड़ेगी. और यह दो कंडीशन है, दो, एक तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है किसी सीरीज की, एक शॉर्टेस्ट. तो यहां पर फॉर लेमडा मिनिमम, ठीक है, एन एफ जो होता है इसको हम इनफाइनाइट पुट कर लेंगे किसी भी सीरीज के लिए. तो जैसे ही हम यहाँ एन एफ पुट करेंगे क्या इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या बचेगा, तो गायब हो गया टर्म वन बाई इन्फिनिटी, ये बचा वन, वन बाई वन स्क्वायर ये भी वन है, मल्टीप्लाई बाई आर, तो इट मीन्स लेमडा का मतलब वन अपॉन आर हो जाएगा. तो वन अपॉन आर की वैल्यू अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इस सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी, जो कि तुम लोगों को सॉल्व करके देखनी है एज ए होमवर्क, पर कितनी आती है वो तुम लोग सॉल्व. और अगर हमें मैक्सिमम चाहिए लेमडा मैक्सिमम, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो एन आई है, सॉरी एन आई तो वही रहेगा, एन एफ को ही चेंज करना है, एन एफ ये इनफाइनाइट नहीं होगी, ये सबसे पहले वाला नंबर मतलब टू, फर्दर शॉर्टेस्ट के लिए सबसे लास्ट वाला इन्फिनिटी और लॉन्गेस्ट के लिए सबसे पहले वाला. फाइनल ऑर्बिट में चेंज करना है, इनिशियल ऑर्बिट तो फिक्स है लाइमन सीरीज का, इनिशियल ऑर्बिट तो ग्राउंड स्टेट ही होगी, तो इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है. चेंजेस हैं जो यहाँ है, लॉन्गेस्ट तब मिलेगी जब पहला वाला टू, और शॉर्टेस्ट जब इन्फिनिटी वाला. और ये हर सीरीज के लिए वैलिड है, किसी भी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो फाइनल ऑर्बिट की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी, और मैक्सिमम निकालनी है तो जो सबसे पहला नंबर है पहला, जैसे नेक्स्ट वाली बामर आएगी तो बामर में एन आई तो टू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो टू से नेक्स्ट वाला थ्री होगा तो उसमें थ्री हो जाएगी. तो पहले इसको नोटिस करो. सेकेंड वन, तो अब ये हमें बताने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन वही कॉपी होगी, एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड स्टेट या सेकेंड ऑर्बिट, चलो अच्छा लिख ही लो. देखो
व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, एनी हायर एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, द सीरीज ऑप्टेंड इज कॉल्ड बामर सीरीज, द सीरीज ऑप्टेंड इज कॉल्ड बामर सीरीज। और यहां भी जो अंडरलाइन करना है कौन से रीजन में है ये, तो इट इज इन विजिबल रीजन, और उसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है पर्टिकुलर सीरीज कौन से रीजन में है, इट इज इन विजिबल रीजन। और इस सीरीज के लिए अब एनआई की वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगी, पहले वाली में क्या था वो फर्स्ट सीरीज थी तो एनआई वन था, ये सेकंड सीरीज है तो एनआई टू हो जाएगा, और एनएफ में इससे आगे वाली वैल्यू, तो टू के बाद जितनी वैल्यू है 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, वेव नंबर का फॉर्मूला सेम है, आर यहां बस ये चेंज आएगा, तो इसमें एनआई कितना है 2 2 स्क्वायर, दैट इज 4, 1/NF² ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो 2² मतलब 1/4, पहले वाले में जस्ट 1 था। और फिर से लैम्डा मिनिमम के लिए एक बार दोबारा लिख देते हैं, लैम्डा मिनिमम जब भी कैलकुलेट करना हो तो एनएफ को इनपुट करेंगे इन्फिनिटी, और इस सीरीज के लैम्डा मैक्सिमम को, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनएफ इक्वल्स टू जो फर्स्ट वाला है वो 3, जैसे उसमें 2 वाला था इसमें 3 है फाइनल ऑर्बिट। थर्ड पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज के लिए वंस अगेन द सेम डेफिनेशन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू द थर्ड एनर्जी लेवल, सेकंड वाली में सेकंड था इसमें थर्ड आ जाएगा, और यहां एनआई डेफिनेशन वही पहले कॉपी करो, और उसके बाद एनआई इज 3 और एनएफ इज मोर देन 3, जो भी है 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, इट्स वेव नंबर इज 1/λ आर इक्वल्स टू 1/3² माइनस 1/NF² और लैम्डा मिनिमम जब इस सीरीज का कैलकुलेट करना है तो एनएफ की वैल्यू पहले की तरह इंफिनिटी, और जब मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो NF = 4। और कौन से रीजन में ये बताई हमने, इंफ्रारेड रीजन, इट इज इन इंफ्रारेड रीजन, ये अंडरलाइन कर लेना जहां भी लिखना, ब्रैकेट ब्रैकेट सी, फिर से सेम डेफिनेशन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू द फोर्थ एनर्जी लेवल, द सीरीज ऑब्टेंड इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज, और इट इज इन इंफ्रारेड रीजन, सेम रहेगा लास्ट वाले से, बाकी कंडीशन यहां पे हम मार्क कर देते हैं, फॉर दिस इनिशियल वैल्यू इज 4 एंड फाइनल ऑर्बिट इज एनीथिंग मोर देन 4, 5, 6, 7 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, वंस अगेन फॉर्मूला आर 1/4² माइनस 1/NF² फॉर द मिनिमम वेवलेंथ एनएफ मस्ट बी इंफिनिटी, और फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ एनएफ इज जस्ट फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फाइनल ऑर्बिट, दैट इज 5। अल्ट्रावायलेट रीजन, सेकंड वन इज बामर सीरीज, इट इज इन विजिबल रीजन एंड ऑल अदर्स आर इन इंफ्रारेड रीजन। तो लास्ट वन पता है मैं फिफ्थ कौन सी है, पी फंड है, ये भी इंफ्रारेड में, बट यहां एक स्पेशलिटी है, इट इज इन फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड दूर वाले, डिस्टेंट वीक इसको, तो एनआई इक्वल्स टू फॉर दिस 5, एनएफ इक्वल्स टू 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी, आर इक्वल्स टू 1/NI² माइनस एनआई मींस 5² माइनस 1/NF² और वंस अगेन फॉर लैम्डा मिनिमम एनएफ इक्वल्स टू इंफिनिटी और फॉर लैम्डा मैक्सिमम एनएफ इक्वल्स टू 6।